आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग पहला और भाग दूसरे में आपने पोषण और श्वसन के बारे में अध्ययन किया। जो तीसरा भाग है वो है परिवहन। किस प्रकार मानव शरीर में रक्त परिवहन, रक्त के द्वारा पदार्थों का भोजन, ऑक्सीजन और उत्सर्जी पदार्थों का शरीर में वहन किया जाता है, पूरे शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है प्रत्येक कोशिका में। तो अब हम देखेंगे रुधिर के बारे में कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। और आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है रुधिर का एक तरल माध्यम होता है प्लाज्मा, जिसमें विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो रुधिर है ये इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, इसमें बहुत सारी कणिकाएं भी होती हैं। तो एक कणिका होती है लाल रक्त कोशिकाएं, जो इस हीमोग्लोबिन एच भी होता है, तो ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है परिवहन करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जुड़कर ही कार्बन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। और रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है। एक जैसे नीचे पानी रखा हुआ है और ऊपर घर में टंकी है, तो हमें पानी ऊपर पहुंचाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारे शरीर में भी पूरे रक्त को पहुंचाने के लिए एक पंपन यंत्र चाहिए, और वो पंपन यंत्र है हृदय। हृदय ही हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो हमारा हृदय एक पंप के समान कार्य करता है। तो हमारे जो हृदय है ये एक पेशी अंग है, जो कि एक मुट्ठी के आकार का होता है। आप देखेंगे ये बंद मुट्ठी के आकार का दिखता है। इसके चार भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये वाला हिस्सा ये देखो बीच में, ये देख रहा ना, पेशियों के द्वारा ये पूरा विभाजित होता है इस प्रकार। ये देखो पेशियाँ, ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग और ये चार। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा दायां, और यहाँ हिस्सा ये बायां कहलाता है। तो ऊपर को हम बोलेंगे दायां आलिंद और नीचे को बोलेंगे दायां निलय। ये वाला हिस्सा है बायां आलिंद और ये है बायां निलय। तो हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों आते हैं, परंतु वो अंदर आकर आपस में मिलते नहीं हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार शुद्ध रक्त आता है हृदय में। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं, आप ये देखिए एरो लगा हुआ फुफ्फुस सिराएं, ये रक्त को शुद्ध रक्त को, ये शुद्ध जो भी खुलती हैं हृदय में उनको हम सिराएं बोलते हैं। पल्मोनरी सिरा ये फेफड़े से आती है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। ये देखिए ये शुद्ध रक्त आ रहा है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से जाता है बाएं निलय में। यहाँ की पेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं, कभी थकती नहीं हैं और बार बार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने से यहाँ का जो आयतन है वो बदल जाता है, और यहाँ से रक्त ये बाएं निलय में आ जाता है। हम देखेंगे बाएं निलय से ये रक्त, शुद्ध रक्त, पूरे शरीर में भेजा जाता है। पूरे शरीर में यहाँ से आप देखेंगे, ये यहाँ से रास्ता दिख रहा है, ये महाधमनी, ये दिख रहा है ना, बाहर निकल रहा है। तो जो हृदय से रक्त लेकर निकलती हैं उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। ये सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ये रक्त को बाहर लेकर निकल रही हैं, और ये तुरंत दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ ऊपर रक्त ले जाते हैं, कुछ नीचे रक्त ले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये पूरे शरीर में ये रक्त चला गया शुद्ध, और पूरा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन हर प्रत्येक कोशिका में दी जाती है, और वहाँ से अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिली है वो वापस पूरे शरीर से इकट्ठा होकर ये दाएं आलिंद में आता है अशुद्ध रक्त। ये देखिए शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये निचले भाग से, और ऊपरी भाग से भी एक महाशिरा आती है। ये देखिए रक्त की यहाँ उड़ेल रही हैं, और यहाँ रक्त यहाँ से दाएं आ
शुद्ध रक्त यहाँ से पूरा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। आप देखेंगे ये फुफ्फुस धमनियाँ जो यहाँ से निकल रही हैं, फुफ्फुस धमनियाँ फेफड़े में जाएंगे और वहाँ से शुद्ध होने के बाद फिर वापस फुफ्फुस की नाल से यहाँ आएंगे। तो आप देखते हैं हृदय में रक्त दो बार आया, एक बार शुद्ध रक्त आया और एक बार अशुद्ध रक्त आया। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो बायां आलिंदी से बाएं निलय में रक्त जाता है तो यहाँ पर बीच में बाल्ब होते हैं, कपाट होते हैं, जो कि रक्त को एक ही दिशा में बहाते हैं, विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी रक्त यहाँ से एक बार यहाँ आ गया तो वापस यहाँ नहीं जाएगा, चाहे आप उल्टा सीधा कैसे भी हो जाए, क्योंकि यहाँ कपाट पाए जाते हैं। कपाट या बाल्ब इनका काम है रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकना। और ये देखिए विभाजिका, ये आपको पूरा नामांकन समझ में आ गया। जो जो हृदय से निकलती हैं वो उनको बोलते हैं धमनियाँ, और जो हृदय में आकर मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, शिराएं। तो इस प्रकार हृदय में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिलने नहीं पाते हैं। अच्छा, अब इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा बतलाते हैं। शुद्ध रक्त फेफड़ों से ये आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद आप समझ गए ऊपर का हिस्सा है, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से जाता है ये पूरे महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त पहुंचाया जाता है, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सिरायों द्वारा ये दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाया निलय, और दाएं निलय से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, और इस प्रकार फेफड़ों से शुद्ध रक्त वापस हृदय में आ गया। इस प्रकार दो बार आता है। बाल्ब क्या है? आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट होते हैं, जो कि रक्त को उल्टी दिशा में बहाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, वो कपाट है। ये दोनों आलिंद और निलय के बीच में पाए जाते हैं। अब आप देखिए किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है आपस में परिवहन। ये देखिए हृदय है, यहाँ से ये जो शुद्ध रक्त निकला हुआ है, ये शुद्ध रक्त हमारे ये देखेंगे आप जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े की कोशिकाओं से ये रक्त शुद्ध हो गया। आपको जो शुद्ध रक्त है वो हल्का सा लाल कलर का दिख रहा है, और जो अशुद्ध रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा हल्का नीले रंग का दिख रहा है। ये शुद्ध रक्त फेफड़े में पतली पतली यहाँ पर केशिकाएं होती हैं, केशिकाओं की दीवार बहुत पतली होती है, और आपस में उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आपस में विसरण हो जाता है, और इस प्रकार ये देखिए फुफ्फुस मतलब फेफड़े से ये शुद्ध रक्त लेकर आ रही है, और ये शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में जा रहा है। वहाँ भी प्रत्येक कोशिका को यहाँ भी रक्त दिया जाएगा केशिकाओं के माध्यम से यहाँ पर, और अशुद्ध रक्त ये महासिरा के द्वारा ये वापस हृदय में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको यदि फुफ्फुस बोलने में परेशानी होती है तो आप इसको फेफड़े भी बोल सकते हैं। अच्छा, मानव और कुछ अन्य कशेरुक दंड हैं उनमें भी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, हृदय से जो निकलती हैं वाहिनियाँ वो दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनियाँ हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुँचाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धमनी। और शिराएं जो सारे शरीर से रक्त इकट्ठा करके वापस हृदय एकत्रित करती हैं। तो हम धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनमें अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। आप देखेंगे धमनियाँ हैं वो थोड़ा लचीली होती हैं क्योंकि उस पर तेज़ी के साथ रक्त का प्रभाव होता है, मोटी होती हैं, और उसमें जो ल्यूमिन उसकी जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है, और ये पूरे शरीर में रक्त लेकर पूरे शरीर में उसका संवहन करती हैं। तो जो पल्मोनरी धमनी है वो छोड़कर जितनी भी धमनियाँ हैं सब में रक्त शुद्ध बहता है। शुद्ध रक्त का अर्थ होता है ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अच्छी है तो उसको हम शुद्ध रक्त कहेंगे।
जाते हैं। शिराएं, शिराओं की दीवार पतली होती है और उसमें कोई भी इलास्टिसिटी, लचीलापन नहीं होता है। और उसमें गुहा, ल्यूमेन मतलब अंदर की गुहा, चौड़ी होती है। और ये क्या करती है कि रक्त को पूरे शरीर से लेकर हृदय में एकत्रित करती है, उड़ेलती है हृदय में। केवल एक शिरा है पल्मोनरी शिरा, जो कि फेफड़े की ओर जाती है, उसमें ऑक्सीजनित रक्त का मतलब सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसमें कपाट पाए जाते हैं। अब हमारा रक्त के अलावा हमारे शरीर में एक लसिका तंत्र भी होता है, जो जो भी भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, जो कि एक प्लाज्मा की तरह है और हल्का सा पीलापन लिए हुए रहता है। इसमें प्रोटीन भी होते हैं और ये ऊतक के बीच बीच में कोशिकाओं में पाया जाता है, जो बाद में ये सारी कोशिकाएं बाद में एक बड़ी लसिका वाहिनिया में बदल जाते हैं और छोटी आँख में जो बसा होता है, पचा हुआ, उसका अवशोषित वसा का परिवहन भी लसिका के द्वारा किया जाता है। ये था अभी तक हमने पढ़ा जंतुओं या मानव में परिवहन। अब हम पढ़ेंगे पादप में परिवहन। पेड़ पौधों में परिवहन वैसे तो स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। मैन इसमें दो हैं, जाइलम और फ्लोयम। तो जाइलम क्या करते हैं, मिट्टी से जल व खनिज लवण को लेकर नीचे से लेकर पूरे पौधों को पहुंचाते हैं, ये नाइन्थ में पढ़ा है आपने। और फ्लोयम क्या करते हैं, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि पादप के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय मतलब जो वायु में खुले हुए हैं, जैसे पत्तियाँ, उनमें छिद्र होते, इनके द्वारा भी वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आप देखिए ये पत्तियों में छिद्र होते हैं और पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता जाता है। उसका स्थान लेने के लिए इस प्रकार नीचे से जड़ों से जाइलम द्वारा, जाइलम पूरा नीचे से लेकर पौधे के अंतिम सिरे तक, अग्रभाग तक पानी और खनिज लवण को पहुँचाते। अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है धमनी और शिरा में अंतर, जाइलम और फ्लोयम का कार्य आपको बतलाना है और हृदय के चित्र की आपको प्रैक्टिस या अभ्यास करना है। धन्यवाद।